Good morning, children. As you know, today's attainment class. Okay, this is your fourth attainment. अभी तक आपने थ्री attainment complete कर चुके हो, ये आपका फोर्थ है. तो उसके लिए हमें करना क्या है, पहले स्क्रैप बुक लेना है. स्क्रैप बुक में हमें ये हेडिंग लिखना है, मेक अ स्टडी यूजिंग कलर पेपर कॉटन थ्रेड राइस एंड कलर्स. ओके, तो हमें इसके बनाना क्या है, एक काइट बनाना है इसमें हमें. और इस काइट बनाने के लिए हमें कलरफुल पेपर की जरूरत पड़ेगी. मैंने ये पेपर से बनाया था, न्यूज़पेपर से. आप लोग चाहो तो इस पेपर से बना सकते हो. आज मैम आपको इसी पेपर से सिखाएगी काइट बनाना. ओके, तो ये इस काइट के लिए हमें चाहिए पेपर, थ्रेड. ओके, और ये पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए उस राइट, इसको कलर करने के लिए हमें चाहिए कलर. ओके, कुछ कॉटन बॉल चाहिए, फेविकॉल चाहिए. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, चावल को कलर कर लेती हूँ, इस चावल को. ओके, तो इस चावल को कलर करने के लिए सबसे पहले ये डब्बा लिए, इसमें एक चावल डालें. इसमें डालने के बाद मैंने कलर लिया. हमें कौन से कलर यूज करने हैं, तो ये वाली ब्लू. तो इसमें से मैंने थोड़ा सा ये कलर लिया, इसमें डाला. इसमें हल्का सा हम लोग वाटर डालेंगे, हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं. विद द हेल्प ऑफ योर मदर ब्रदर एंड सिस्टर एनी वन यू कैन टेक अ हेल्प. इस तरह से मैंने ये कलर कर लिया. ओके, यहाँ पर कलर हुआ है, इसको मैंने सूखने के लिए रख देती हूँ. ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से कलर हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से कलर हो जाएगा. आपको याद रहे आपको हमेशा ब्लू कलर ही यूज़ करना है, राइट. अब हम जब तक चावल हो गया है, हम लोग काइट बना लेते हैं. तो काइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से एक स्क्वायर पेपर में ये पेपर कट करना है. पता होना चाहिए स्क्वायर कैसा होता है, ऐसा स्क्वायर में पेपर कट करना है. उसके बाद हमें दो ट्रायंगल ये छोटे छोटे कट करने हैं. ये ट्रायंगल हमें यूज करना है यहाँ पे. ओके, तो इसको यूज कर ले. तो आज हम लोग इस ट्रायंगल को, इस काइट को कंप्लीट करेंगे. इस ट्रायंगल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और एक आपका काइट आपका रेडी हो जाएगा. तो उसके लिए एक फेविकॉल लिए हैं यहाँ पे. ये मैंने हल्का फेविकॉल इसमें डाला और इसको हल्का सा यहाँ पे मैंने पेस्ट किया. ठीक है, अब हमें ये थ्रेड भी चाहिए. तो मैंने ये थ्रेड लिया है, देखो सीजर के हेल्प से मैं यहाँ कट करती हूँ. सीजर आप हमेशा अपने बड़ों के सामने यूज करोगे, नहीं तो अपने फैमिली को बोलो, फैमिली में से किसी को भी बोलोगे वो आपका हेल्प कर देगा. यहाँ के लिए हमें थोड़ा सा फेविकॉल मैंने डाला, थ्रेड लिया और मैंने एक कट किया था और ये रहा और मैंने इसको इस पर से पेस्ट कर दिया. हो गया, तो ये आपका बन गया काइट. ओके, इसे आप यूज कर सकते हैं. इसको मैं साइड में रख देती हूँ, तब तक ड्राई हो रहा है, तब तक मैं स्क्रैप बुक लूँ. यहाँ पर हमें सबसे पहले इस कॉटन बॉल को स्प्रेड करना है. किस तरह से करते हैं, इसको फैलाते हैं ऐसे. ये मैंने फैलाया, इसको मैंने यहाँ रखा. देखो मैंने कुछ ऐसे इस तरह से पूरे बॉल को पूरा फैलाया हुआ है. इसको ऐसे इस तरह से मैं करूँगी. ओके, और जो मैंने काइट बनाया था ये वाला, देखो ये वाला मैम ने ये वाला बनाया था. आप चाहो तो इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैम ये वाला यूज़ कर रही है, राइट. तो ये यहाँ पर ऐसे पेस्ट करेंगे. ओके,
और मैम ने जो बताया था चावल को कलर्ट करने का, जो इस तरह से हो चुका है उसको मैम यहाँ पे उसे भी पेस्ट करने वाली। कैसे करेगी? तो एक एक दाने को एकदम अच्छे से, ये आपका अकेले का नहीं होगा, तो आप अपने पेरेंट्स को या दीदी भैया किसी के साथ भी आप हेल्प ले सकते हैं, और एक लाइन से इसको ऐसे सीक्वेंस से पेस्ट करेंगे। ओके, तो मैंने इस तरह किया है, इसको यहाँ पे पूरे अच्छे से इस तरह से हम लोग फैला देंगे। अब जान रहे हो क्या है, ये वाटर है, जो बारिश होती है ना वो यहाँ पे पानी, जो वाटर आपका पूरा बैठ जाता है, राइट। इस तरह से हम लोग के सीनरी तैयार करेंगे, जिसमें इस ये बॉल को हम लोग ने क्लाउड बनाया है, पेपर से काइट बनाया है, और राइस से हम लोग बारिश का पानी बनाया है। इस तरह से हम लोग रेडी करेंगे, आप लोग भी रेडी करो, एक पिक लो और अपने नाम और एड्रेस नंबर के साथ हमें सेंड करो। ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू।